हाय फ्रेंड्स, आई एम श्रद्धा और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वाटरमेलन स्लश, तरबूज का स्लश रेसिपी। और जैसा कि आपको पता है, बहुत गर्मी पड़ी है, इसमें वाटरमेलन जो है आप बहुत अच्छी बेनिफिशियल फ्रूट है। आपको सबसे पहले बस डिहाइड्रेशन जो होती है, पानी की कमी, उससे प्रिवेंट करता है। तो आप ये काफ़ी हेल्दी और शॉर्ट टाइम टेकिंग रेसिपी है। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं, अगर हमें वाटरमेलन स्लशी बनाना है तो हम क्या क्या लेंगे। हमारे इंग्रेडिएंट्स, फर्स्ट हम वाटरमेलन लेंगे। मैंने ये एक स्मॉल साइज्ड या बोल सकते हैं 250 ग्राम मैंने ये ले रखा है। वाटरमेलन के पीसेस हैं, इसे मैंने वाटरमेलन को पील करके, छिल के, काट के, निकाल के, इसके सीड्स भी मैंने यहाँ से निकाल दिए हैं, कट किए हैं, और जिसके अंदर बीज होते हैं सीड्स, वो मैंने निकाल दिए हैं। तो ये हमारा वाटरमेलन का पीसेस है। आइस क्यूब्स चाहिए हमें, बर्फ के टुकड़े। आप चाहें तो कॉमन सॉल्ट जो सादा नमक होता है यूज़ कर सकते हैं, बट ये हमें चाहिए 1 टीस्पून। ज़रा सा मैंने ब्लैक सॉल्ट लिया है, थोड़ा टेस्टी लगेगा। शुगर क्रिस्टल, आप चाहें तो शुगर पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, मैं यहाँ पे शुगर क्रिस्टल यूज़ कर रही हूँ। तो शुगर हमें चाहिए, हालांकि ये भी मीठा होता है तो हमें ज़्यादा नहीं चाहिए, हमें 1 टेबल स्पून इतना, ये हमारा टेबल स्पून है। इससे हमें शुगर चाहिए। और ये है हमारा लेमन वाटर, ये हमारे हाफ लेमन का नींबू पानी है, लेमन जूस। और ये इस साइज़ का लेमन मैंने ले रखा था, ये हाफ है, और इसी का मैंने ये जूस निकाल रखा है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपना वाटरमेलन स्लशी बनाना। सबसे पहले हम एक जार लेंगे इस तरह से, और जार में हमारा जो ये वाटरमेलन की पीसेस हैं, ये हम इसमें डाल देंगे, पोर कर देंगे इस तरह से। ये तो, और एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ये जो पीसेस मैंने कट की हैं, ये तुरंत नहीं, ये फ्रेश वाटरमेलन था जिसे मैंने कल रात में कट किया, और सीड्स रिड्यूस करके इसे मैंने पूरे एक 1 नाइट के लिए फ्रीज़र में रखा था, फ्रीज़ किया था। ये फ्रीज़ हो चुके हैं और तुरंत आपको बनाना है नहीं तो, क्योंकि बहुत फ्रीज़ हो चुके होते हैं, अंदर से कूलनेस होती है तो बहुत अच्छा होता है, हेल्दी होता है खाने के लिए भी। तो ये हमारी 1 नाइट फ्रीज वाटरमेलन पीसेस हैं जिसे मैं ग्राइंड करने जा रही हूँ। इसे हम इस तरह से ग्राइंड कर लेंगे। ये मैंने इसको जार को फिट कर दिया और अब मैं इसे ग्राइंड करूँगी। बीच में हम इसे चेक भी करते रहेंगे, मिक्स करते रहेंगे, क्योंकि वाटरमेलन के जो पीसेस होते हैं वो फंस जाते हैं कहीं कहीं, तो उसे हम ऐसे चाहें तो और छोटे पीस आप डाल सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे इसमें, और एक बार और हम इसे ग्राइंड करेंगे ताकि इसका अच्छा सा पल्पी जूस हमें मिले इस तरह से। देखिए अब हम इसे एक बार और चेक कर लेते हैं। देखिए हमारा जो जूस है वो एकदम निकल आया है, पल्पी जूस। और अब हम इसमें अपने बाकी के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो हम ऐड कर लेंगे। इसमें हम पहले ऐड करेंगे 1 टेबल शुगर एंड 1 टीस्पून, एक छोटा चम्मच या 2 पिंच ब्लैक सॉल्ट एंड हाफ लेमन जूस। और इसके बाद हम इसे वापस से ग्राइंड करेंगे, इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और फिर हमारा वाटरमेलन स्लशी रेडी है। हमें इसे एक बार और चेक करना है, शुगर क्रिस्टल्स जो हैं हमारे वो डिसॉल्व हो गए हैं इसमें कि नहीं। काफ़ी अच्छा सा कॉमन सॉल्ट का, लेमन का जो
अरोमा होती है, एक अच्छी सी सुगंध होती है, वो आ रही है वाटरमेलन के साथ। तो मुझे लग रहा है कि काफ़ी टेस्टी ड्रिंक बनेगी। एक बार और हम इसे ग्राइंड करेंगे बस ज़रा से देर के लिए। बस अभी हमारा वाटरमेलन स्लशी जो है वो रेडी है। अब हम इसे अपने सर्विंग ग्लास में या जिसमें भी आप सर्व करना चाहें सर्व कर सकते हैं। और जो सर्विंग बोल्स होते हैं या सर्विंग प्लेट या सर्विंग ग्लास, अगर आप उसे थोड़ा गार्निश कर दीजिए अपनी क्रिएटिविटी के साथ तो बहुत अच्छा लगता है डिश। एक तो टेस्टी, ऊपर से दिखने में अच्छा, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और हमें बहुत वॉटरी नहीं करना था, जैसे पल्पी है हमें इसी तरीके से चाहिए क्योंकि स्लश ऐसे ही होते हैं। इस तरह से तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने इसे अपने सर्विंग ग्लासेस में सर्व कर लिया है। और ये कितना रेड रेड अच्छा लग रहा है, काफ़ी कूल कूल। मैंने इसमें आइस क्यूब्स भी डाल दिए हैं थोड़ी कूलनेस के लिए। तो आप इस तरह के ड्रिंक्स अपने घर पे बना सकते हैं और गर्मियों के दिनों में, हॉट डेज में, समर डेज में आप इंजॉय कर सकते हैं। और ये काफ़ी शॉर्ट टाइम इंस्टेंट रेसिपी है, आप इसे कभी भी घर पे बना के आप बाहर चाहें तो कैरी भी कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो एंड आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड कोई कमेंट या क्वेश्चन हमें पास करिए। और इसी तरह की रेसिपीज हम आपसे शेयर करते रहेंगे। थैंक यू।